गुड मॉर्निंग सर, 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 सर वॉइस इज नॉट कमिंग. Yes, sir. Voice is not coming. Yes, sir. Sir, tomorrow my. Sir, tomorrow my. Voice is not coming. Sir, no, I am ready. Sir, no, I am ready. सर तमारो वॉइस बंद है ये. यस सर. सर तमारो सर नथी हमरा तो ठीक है नहीं हमरा हमने. सर यू आर म्यूटेड. सर योर माइक इज ऑफ. सर योर माइक इज ऑफ. सर योर माइक इज ऑफ. वी कांट हियर यू सर. सर बच्चो मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अभी आपको रिप्लाई नहीं देना है और आपका माइक बंद कर देना है. बराबर. अगर आपको कोई डाउट है तो उस टाइम पे आपका माइक आप ऑन करो. क्वेश्चन पूछो मैं आपको आंसर दूंगा. फिर आपको फिर से आपका जो माइक है वो बंद कर देना. बराबर. सेकंड बात. दूसरी बात सुनो कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हिंदी का पीरियड आएगा तो आपको टेक्स्ट बुक नोटबुक पेंसिल बॉल पेन या हाइलाइटर लेके बैठना है. बराबर ना. मैं अभी सबका चेहरा देख रहा हूँ कौन नहा के बैठा है कौन बिना नहा के बैठा है सब मेरे को दिख रहा है. बराबर. लास्ट पीरियड में क्या हुआ था कि मैंने बोला था कि भाई आपको इसके नीचे ड्राइंग करना है तो उस टाइम पे आप पेंसिल बॉल पेन लेने के लिए खड़े हो गए. तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों. आज आपके पास अभी से पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए. मैं आपको हाइलाइट करवा दूंगा. ओके. बोलो ना. तो बच्चों हमारी बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है. आपका माइक बंद करो नहीं तो मैं यहाँ से सबका माइक बंद करूंगा. ओके. चलो कोई भी पाठ हो कोई भी कविता हो लेकिन उसके राइटर होते हैं. बराबर. तो हमारे ये कविता के जो पॉइंट है कवि है उनका नाम है कृष्ण सरब. तो कृष्ण सरब के नीचे अंडरलाइन कीजिए या सर्कल कीजिए या हाईलाइट कीजिए कुछ भी करो लेकिन ये कृष्ण सरब आपको कंपलसरी याद रखना है. कर दिया बच्चों. अभी हम देखते हैं बच्चों कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है बच्चों के यानी कि एक के लिए इतनी ताकत होती है. बराबर. हम अकेले भी चाहे कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले हमें तो निश्चय करना है कुछ टारगेट बनाना है कि हमें ये करना है. हमें देशभक्ति करनी है देश सेवा करनी है हमें बड़ा होकर ये बनना है हमें दूसरों को सपोर्ट करना है. बराबर. तो इसके लिए पहले हमें एक टारगेट बनाना है निश्चय करना है कि ये मैं करने वाला हूँ करने वाली हूँ. उसके बाद हम उनके ऊपर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं. बराबर है. देखो कविता का परिचय एक में भी बहुत बड़ी ताकत होती है. बराबर. एक से मिलकर अनेक बनते हैं बच्चों. एक गलती अनेक हो जाते हैं. बराबर. हम जो कुछ भी करना चाहें वो सब कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मैं जो करूंगा वो अच्छा करूंगा बराबर करूंगा और करके दिखाऊंगा. ओके. एक व्यक्ति
कार्य एक होने पर भी कमजोर नहीं बल्कि कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम अपनी अनोखी पहचान बनाते हैं। देखो बच्चों, कोई भी एक कार्य हो या बड़ा कार्य हो, लेकिन वो हम आसानी से कर सकते हैं, बराबर। लेकिन इसके लिए पहले हमें संकल्प करना है कि ये मैं करके दिखाऊंगा। एक ही ताकत सृष्टि में कई बड़े बड़े कार्य सफल हुए। बच्चों, सृष्टि के इंटरलाइन लीजिए, सृष्टि यानी कि दुनिया या संसार। बच्चों, एक ही ताकत से ये दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, समझे। तो सृष्टि के नीचे आपको लाइन करना है, सर यार वॉइस इज नॉट। हाँ बच्चों बोलो। सर आज तमे अंडरलाइन कराए थे हूं इनु आपणे लखो ने स्पेलिंग जो बाळको वो अंडरलाइन कराऊ ए तमारे अत्यारे લખવાનું કોઈ જરૂર નથી, તમે ખાલી વિડિયો માં ધ્યાન આપો, ક્લાસ માં ધ્યાન આપો, બરાબર। શબ્દ મૂલ્ય અને કવિ નું નામ લાસ્ટ પીરિયડ માં તમે લખવા માટે આપ્યું છે, ઓકે। આજે આપણે એક્સરસાઇઝ કરી આની સમજૂતી જોઈએ, કવિતાની સમજૂતી અત્યારે જોશું, ત્યારબાદ આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાના, ઓકે। ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ એવી છે કે જે ટેક્સ્ટબુક ની અંદર થઈ જશે, કઈ ટેક્સ્ટબુક ની અંદર આપણે કરીશું, અને ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ એવી છે કે જે ટેક્સ્ટબુક માં થશે નહીં, કારણ કે લખવા માટે જગ્યા જોઈએ। તો એ બધી એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન આન્સર એ બધું આપણે નોટ પર લખવાનું, બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ। આ કવિતાનો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ઝા, ઓકે, ધ્યાન દેજો। આખી કવિતા આપણે ફરીથી એકવાર ગાઈશું, બરાબર। લાસ્ટ પીરિયડ માં આપણે ફરીથી જરા એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ, અને ત્યારબાદ આપણે એક સમજૂતી જોશું। બાળકો, તમારે પણ મારી સાથે ગાવાનું છે, બરાબર, કમ્પલસરી। હું અહીંથી બધાના લિંક જોઈ શકું છું, કોણ ગાય છે અને કોણ નથી ગાતું, જે નહીં ગાશે ને एक दीप माटी का जल करती लेता सारा अंधियारा, एक बूंद सीधी है डर कर बन जाती है सच्चा मोती, एक सत्य में बड़े चोट से लड़ जाने की ताकत होती, एक अकेला गाने ही का न छोड़ा सत्य से नाता, एक जाति है एक धर्म है हर किसी को समझाता, एक जरा है एक कण है इसी इस पर गहरा था, दिल मेरा वो प्यार से तुमने पाया इतना करना था। बच्चों, मैं आशा रखता हूं कि सबने मेरे साथ एक कविता गाई होगी, ओके। बच्चों, अभी जो फर्स्ट अंदाज है तो उसकी समझूती हम देखते हैं। पेंसिल आप और पेन हाथ में रखना, मैं आपको लाइन करवाऊंगा। अभी एक किरण सूरज की देती है सारे जग को उजियार। बच्चों, पहले तो सूरज, सूरज के नीचे लाइन कीजिए और उजियार के नीचे। बच्चों, हमारा जो टाइटल है एक की ताकत। बच्चों, सूरज कितने हैं हमारे? सूरज ओनली वन, ओके, सिर्फ एक ही है, लेकिन पूरे संसार में, पूरी दुनिया में वो उजियार का, बराबर, अंधेरा हर देता है, तो सूरज वो पूरी दुनिया में उजियारा करता है, बराबर। ये एक की ताकत हमें बताई है, वही हमारा टाइटल है, एक की ताकत। दूसरा देखते हैं बच्चों, एक दीप, दीप के नीचे भी अगर लाइन कीजिए, बच्चों अगर रात के टाइम में, रात के समय में अगर लाइट चली जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, बराबर, समझो। रात का समय अभी और लाइट चली गई, इतनी सी भी लाइट में थोड़ा सा भी प्रकाश घर में नहीं है, अभी क्या करेंगे? उस टाइम में हम एक छोटा सा दीप जलाएं, बराबर। बच्चों, एक दीप जलाने से उसके आसपास
वो जो दिन है वो जितनी जगह कवर करेगा उतनी जगह पे उजाला आ जाएगा, बराबर है। यानी कि एक दीप की वजह से भी हम उजाला कर सकते हैं और अंधेरे को हर सकते हैं। ये है बच्चों एक की ताकत, बराबर, एक किरण, एक दीप, समझे आप। देखते हैं सेकंड स्टांजा, एक बूंद बच्चों, एक बूंद, बूंद के नीचे अंडरलाइन करना है, सीपी के नीचे भी अंडरलाइन करना, वे डरकर बन जाती है सच्चा मोती, मोती के नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों। बच्चों ये समुद्र की बात है, वो छीप आते हैं छीप, बराबर, वो छीप के अंदर मोती बनता है, लेकिन मोती कैसे बनेगा, तो एक बूंद पानी का एक बूंद उसमें चला जाए तो उसके बाद वो छीप आता है, उसको बोला जाएगा सीपी, बराबर। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, सीपी। तो सीपी शब्द जो होता है उसे सीपी कहते हैं, बराबर। तो सीपी में एक बूंद आने से वो मोती बनी। बच्चों यह एक की ताकत, एक बूंद की मारो कनेक्शन बेरू थे गए मारो कनेक्शन थे गए पेंडो आम हो तो है सारे कोई कोई रुक है हम पर कनेक्शन में हो बारे में बड़ों को प्लीज तुम्हारे माइंड बंद कर लेते हो। मैं तुमने परमिशन आई बीच में पक्का तो तुम्हारे जो कोई प्रेशर में तो तुम्हें माइंड चालू करें मैंने कुछ ही सोचो यार बात जो तुमने कोई डाउट हो यार तुम्हारे फोन का माइंड चालू करने पर दूसरा और से तेज जो है तुम्हारे माइंड चालू नहीं करवा चाहिए। हेलो आगे देखते हैं बच्चों, एक सत्य में बड़े झूठ से लड़ जाने की ताकत होती है। तो बच्चों एक सत्य के नीचे अंडरलाइन कीजिए, झूठ के नीचे भी, बराबर। बच्चों यह कलयुग चल रहा है, कलयुग में बहुत सारी जगह पे हमें झूठ दिखाई दे रहा है, बराबर, लेकिन वह झूठ के सामने हमें लड़ना है, उसको हराना है, लेकिन कैसे हराएंगे, तो उसके पहले तो हमें सच बोलना है, हमें शुरुआत करनी है हमारे से। अगर हम सच बोलेंगे तो झूठ एक ना एक दिन तो हारने वाला ही है, कितना बड़ा झूठ हो कोई भी हो सामने झूठ बोलने वाला, लेकिन एक सत्य के सामने वो झूठ हार जाता है। ओके देखते हैं, एक अकेला गांधी जी का मत थोड़ा सत्य से बच्चों गांधी जी की लिखा करें उनकी और सत्य की गांधी जी ने सत्य नहीं छोड़ा था। गांधी जी की किताब आप पढ़ो बच्चों, आपके पास और टाइम है, गांधी जी की किताब पढ़ने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बराबर, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैंने गांधी जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी है बच्चों, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन आपके पास टाइम है तो गांधी जी की किताब पढ़ो, ऑनलाइन सब है, आपको घर पे कोई खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। गूगल जो प्ले स्टोर आता है ना उसमें भी आपको फ्री में सारी बुक्स पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बच्चों गेम रमने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ो, और ये हमारे पास पोएम में ही गांधी जी के बारे में बोला गया है, गांधी जी की किताब पढ़ो बच्चों, एक दिन आप मुझे याद करोगे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके गांधी जी ऐसे इंसान थे, उन्होंने सत्य से नाता नहीं तोड़ा था, मींस सत्य ही उनकी पहचान थी, वो हमेशा सच बोलते थे, सत्य के साथ खड़े रहते थे। तो इतने बड़े अंग्रेजों का जो साम्राज्य था सबको हरा के भगा दिया हमारे इंडिया, बराबर, एक सत्य से गांधी जी ने सबको हरा दिया, सब अंग्रेजों को हरा दिया। तो इस तरह हम भी अगर हमारे फैमिली में हमारे आसपास हमारे सोसाइटी में अगर कोई झूठ बोल रहा है झूठ का सहारा ले रहा है तो हमें उसका विरोध करना है बच्चों, हमें सच के साथ रहना है। झूठ बोलने वाला भले ही बहुत बड़ा इंसान हो लेकिन एक ना एक दिन तो वो हार ही जाएगा, क्यों, झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन सच वो
और लाइफ टाइम रहने वाला है, बराबर। और सब चीज भी होती है, तो हमें गांधी जी की तरह सत्य के साथ रहना है। एक जाति है, एक धर्म है, हर किसी को समझाना है। बच्चों हमें सबको समझाना है कि एक जाति एक धर्म, जाति और धर्म की चीज। बच्चों पूरी दुनिया में हमें सिर्फ एक ही जाति समझनी है, एक ही धर्म समझना है, भले हम हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ख्रिस्ती जैन कोई भी धर्म हमारा हो, लेकिन हमें समझना है कि हमारा धर्म एक ही है, हमारी जाति एक ही है। आपको पता है हम लोग हिंदू है तो हिंदू का ब्लड बराबर लाल आता है और किसी और धर्मों का ब्लड तो दूसरे कलर का आता है, आपने देखा है कभी? इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चों तो सारे धर्म सारे जाति के लोग एक ही होते हैं, बराबर, और हमें समानता के साथ रहना है। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक धरा है एक गगन है, बच्चों बताए देखिए, एक धरा एक गगन एक ही ईश्वर। बच्चों हमारे जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो आसमान वो कितने है? एक ही है। बच्चों ऐसा हुआ है आज तक हिंदुओं का आसमान अलग है, मुस्लिम का अलग है, बराबर क्रिश्चियन का अलग है, जैन का अलग है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। बच्चों एक ही आसमान है, एक ही गगन, गगन यानी कि आसमान। ओके धरा, धरा यानी कि पृथ्वी। बच्चों हम हिंदू अलग पृथ्वी में रहते हैं, मुस्लिम अलग पृथ्वी में रहते हैं, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। हम सब एक ही है, बराबर, हम सब भाई भाई एक ही है, और हमारा ईश्वर भी एक ही है। हिंदुओं का भगवान अल्लाह, मुस्लिम का भगवान अल्लाह, लेकिन सबको हमें अलग मानना नहीं है, बराबर। ईश्वर अल्लाह बराबर वो सब एक ही है। हिलमिल रहो प्यार से तुम है बड़ा एकता, हमें हिल मिलकर रहना है, एक भूत होकर रहना है, बराबर। अभी जो हमारे देश में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोरोना महामारी, तो उसमें भी हमें साथ में रहना है। साथ में मीन्स कैसे? अगर किसी के घर में कोरोना आया बराबर तो उसको हमें हेल्प करनी चाहिए इनडायरेक्टली, अगर उसको चाहिए तो हमें उसको देना चाहिए, उसके घर पे घर पे घर के अंदर नहीं जाना, लेकिन घर के बाहर ना होना सकते हैं, उसको अलग नहीं रहना बराबर, अलग रूम में रखेंगे वो बराबर है। बच्चों बीमारी आज है कल चली जाएगी, लेकिन हमारा तो सबक है ना, वो सबक लाइफ टाइम रहना चाहिए, बराबर है। हम सबको फील नहीं कर रहे, कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो। ओके बच्चों मुझे भी हमने लिखा था लास्ट प्रेमर में लिखने के लिए बोला था आपको, एकता शक्ति समर्पण सत्य प्रेम बराबर, हमें एकता के साथ रहना है बराबर, एकता का पूर्ण है बच्चों, लेकिन सब हमारे अंदर सब रहना चाहिए समर्पण सत्य प्रेम मनुष्य का, हमें हम इंसान है वो हमें भूलना नहीं है बराबर, हम जानवर नहीं है बच्चों, हम इंसान है और इंसान की तरह हमें रहना है। ओके हिल मिल कर रहना है, सबको सपोर्ट करना है। बच्चों समझाते हैं बच्चों, आपने ये समझा जो है ना वो मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, और बच्चों जब स्कूल अगले महीने जब हम नोट करने वाले और जितना भी मैंने लिखने के लिए दिया सब मेरे पास डिजिटल है, आपको भी नोट में लिखना है, गुड सॉरी गुड राइटिंग में लिखना है, उजियारा यानी कि उजाला, अंधियारा यानी कि अंधेरा, ताकत यानी कि सत्य शक्ति और बल दोनों उसका मीनिंग हो, गगन गुजराती में बोलते आकाश तो उसका मीनिंग आएगा आसमान, और नव ईश्वर तो भगवान, नाता यानी कि रिश्ता और संबंध, किरण
रश्मि या प्रकाश की रेखा। बच्चों ये रश्मि शब्द आपके दिल में आया, प्रकाश की रेखा को आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये तो सूरज की किरण है, तो किरण का मीनिंग होगा रश्मि। तो ये आपके लिए न्यू वर्ड है, एक तो दिया या दीपक, जब तो संसार भी आएगा और जगत भी आएगा, तरा तो धरती भी आएगा और पृथ्वी भी आएगा, माटी तो मिट्टी और दूर। सर शब्दार्थ ने मूल्य लखवा आपेलू ते हमणा बतावानू छे। બરાબર આજે તે હું લખવા માટે આપવાનું છું ને, તો એની સાથે આપણે બધું ચેક કરી લેશું બરાબર। મતકપા તમારી નોટમાં કરી દીધી છે કે એડેન્સ દીધી હતી, તો દીધી છે એડેન્સ પહોંચી હતી, અને આજના વિડિયોમાં બધા સાંભળી લે કે આપણી પોઈન્ટનું નામ, આ કવિતાની પોઈન્ટ જે આપી છે બરાબર, પોઈન્ટનું નામ શબ્દ અને મૂલ્ય એ બી નોટમાં લખવા માટે આપ્યું છે, અને આજે હું એક્સરસાઇઝ પણ લખવા માટે આપીશ બરાબર। એ બધું જ નેક્સ્ટ મંથમાં જ્યારે સ્કૂલ ચાલતા હોય ત્યારે આપણે ચેક કરીશું ઓકે। તો બાળકો આજે આ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આપણે જોવાના છે, નંબર 1 આ 1 ટુ 5 એમસીક્યુ આપેલા છે ઓકે, અને આના અંદર તમારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર ટિક કરવાના છે। આ એક્સરસાઇઝ તમારે નોટમાં લખવાની નથી ઓકે। નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આના પછીની એક્સરસાઇઝ આપણે જોવાના છે, અને એના હું ફોટા પણ તમને મોકલાવીશ, અને એ તમારે નોટમાં લખવાની છે। નંબર 1 સંસાર તો પ્રકાશિત કરવાની ઓકે, નંબર 1 એક દીપક મેં એક કિરણ મેં યા એક સત્ય મેં। તો બચ્ચો આન્સર તો આપકો પતા ચલ ગયા હોગા બરાબર ને, એક સત્ય મેં સર, એક સત્ય મેં બરાબર, એક કિરણ મેં। તો યહાં પે આપકો ટિક કરના હે એક કિરણ મેં, તમને ક્યાં બચ્ચો दूर कर देता है, कुछ भी पी लेते हैं सभी सभी ओके वेरी गुड, दूर कर देता है। तो ये सेकंड नंबर पे आपको टिक करना है। अभी हम देखते हैं थर्ड नंबर, एक सत्य में किसे बढ़ने की ताकत होती है, एक सत्य में झूठ से सर लास्ट में भी है सर, सीपी में, सीपी में, सीपी में सर, सीपी में ए, सीपी में ए, सरे सरे सीपी में, सरे में सीपी में, सीपी में सीपी में सीपी में A1 सीपी में सर, सर सीपी में A1 सीपी में सर, सर ए सर सीपी सर ए, अगर कोई हाथ सर ए अभी आपका माइक पर ए ए लास्ट ईयर में अगर कोई प्रेजेंट नहीं था तो बराबर सुन ले ध्यान से, पोएट का नाम भी लिखने के लिए दिया है, मूल्य और शब्दार्थ भी लिखने के लिए दिया है, और आज मैं जो दे रहा हूं आज हमने कविता की समझूती लिखी, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में करना है,
ये नोटबुक में करना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ओके सर यस सर आपको यस सर कौन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय Bye, sir. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir. Bye.